हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को बारे में। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, NTCP भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस नाम को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे अगर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एक ऑनलाइन टीचर आपसे बस यही उम्मीद रखता है, आप उसके चैनल का थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। तो आइए पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है हमारा, पहले भी आप फार्माकोलॉजी में पढ़ भी चुके हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है हमारा एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज होता है। इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि जो 1% से अदर पर्सन में फैले, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, या बोल सकते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है। और यह जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमारी बैक्टीरियम होती है, इसके कारण फैलता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसमें मेनली क्या होता है कि हमारे लंग्स जो होता है अफेक्ट हो जाता है। जब हमारा लंग्स अफेक्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, बोन्स हो गए, ज्वाइंट हो गए, लिम्फ हो गया, ग्लैंड्स हो गई, स्किन हो गया, और अदर बॉडी टिश्यू जो होते हैं, इसको भी हमारे जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैं वह इसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। आइए इसके साइन और सिम्पटम के बारे में जानते हैं। तो साइन सिम्पटम इसका पहला कफिंग, ठीक, कफिंग के साथ ब्लीडिंग भी होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फीवर भी रहता है, वेट लॉस होने लगता है, नाइट स्वेटिंग मतलब रात में बहुत पसीना होता है उस पर्सन को जिसको हुआ रहता है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे साइन सिम्पटम थे। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं। तो इसका पहला डायग्नोसिस है चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूड कल्चर करवाते हैं, और ब्लड टेस्ट करवाते हैं, स्किन टेस्ट करवाते हैं, ये सब हमारे क्या डायग्नोसिस हैं। और एक पॉइंट आपको याद रखना कि जो 2016 के आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में जो होता है 10 मिलियन पीपल जो होते हैं हर साल जो होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, जिसमें से 1.3 मिलियन पीपल की जो है डेथ भी हो जाती है। यह 2016 के अनुसार यह आंकड़ा देखा गया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है NTCP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, यह हमारा स्टार्ट हुआ था, जो होता है 1962 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन जब यह स्टार्ट हुआ था कि इसका जो रिजल्ट है इंडिया में वह अच्छा नहीं रहा, ठीक है, इससे उसमें जो इसका मतलब यही कि जो डेथ रेट थी वह कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट रेट था वह कंट्रोल नहीं हुआ, वह हाई ही रहा। तब इसके बाद जो हमारा रिव्यू हुआ, ठीक है, रिव्यू कब हुआ हमारा, 1992 ईस्वी में हमारा यह रिव्यू हुआ, जिसको हम बोलते हैं RNTCP बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने RNTCP, ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट लिख ले सकते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या RNTCP, जिसको बोलते हैं रिवर्स नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखा है एज ए रिजल्ट ऑफ रिव्यू एंड पायलट स्टडी इन 1993, तो इसकी एक पायलट स्टडी भी की गई थी 1993 में, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या हो गई, एक DOTS जो डॉट थेरेपी थी, एक प्रकार की थेरेपी है जिसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। यह हमारा 2 मार्च को स्टार्ट किया गया था, यह हमारा स्टार्ट किया गया था RNTCP के द्वारा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इस थेरेपी को अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी, तो आपको यह थेरेपी याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो गोल क्या था, जो हमारा प्रोग्राम चलाया गया था RNTCP, जिसको बोल सकते हैं आप रिवर्स नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया गया था, इससे इसका गोल था कि जो मोर्टिलिटी रेट है और जो मोर्बिडिटी रेट है उसको डिक्रीज करना, ठीक है। और जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रांसमिशन, जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का जो चैन था उसको कट डाउन करना, इसका मेन गोल यही था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो हमारा NTCP जो प्रोग्राम आया था आखिर क्यों आया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमें जो डॉट थेरेपी के थ्रू क्या हो गई, 85% जो केसेस हैं हम क्योर कर सकते हैं, इन्फेक्शन को जो है हम रोक सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, केस डिडक्ट ऑफ एटलीस्ट 70% थ्रू द क्वालिटी स्पुटम स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो क्वालिटी स्पुटम स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो लीस्ट 70% जो केसेस हैं इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाउन कर सकते थे, ठीक है। फिर इसके अगला जो लिखा गया ऑब्जेक्टिव, टू क्योर द टीवी पेशेंट, जो टीवी पेशेंट है, ठीक है, ये जो हमारा NTCP प्रोग्राम था इसके थ्रू हमने जो टीवी
जिस पर्सन को हो रही थी, पेशेंट को, उसको हमने क्योर किया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब आगे बात करते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई आप उसको देखिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी यहाँ पे है, समझने वाली चीज़ आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, रोकिएगा और लिख लीजिएगा आराम से इसको, तो समझने वाली चीज़ यहाँ पे है। ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसे हुआ, पहला हमारा आता है सेंट्रल टीवी डिवीज़न, जिसको हमारा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस जो होती है इसको मॉनिटर करती है, ठीक है। और जो हमारा स्टेट टीवी सेल जो होती हैं, इसको हमारा एसटीओ, जिसको एसटीओ को हम बोलते हैं स्टेट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर। यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आप, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसको इसको मॉनिटर करता है एसटीओ और डिप्टी एसटीओ और एमओ। एमओ का फुल फॉर्म होता है हमारा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। एमओ से होता है मेडिकल ऑफिसर, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस जो सेंटर होता है, इसके हमारे डीटीओ, एमओ, डीटीसी और डीईओ, ये हमारे क्या करते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ डीईओ जो है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे नीचे लिखा गया है, आप लिख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। और इन सभी का फुल फॉर्म आपको ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ से देख के, ठीक है। यहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखिए मैंने अंडरलाइन कर दी गई जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और फिर हमारा आता है ट्यूबरक्लोसिस यूनिट। ट्यूबरक्लोसिस जो यूनिट है, तो इसको जो मॉनिटर करता है हमारा एमओटीसी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे लिखा गया मेडिकल ऑफिसर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल, ठीक है। और हमारा एसटीएलएस जो होता है, ठीक है, यहाँ पे भी इसका फुल फॉर्म लिखा गया है सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, ठीक है। और हमारा एसटीएस, इसका मतलब होता है एसटीएस का भी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये इसको मॉनिटर करते हैं। और हमारा अगला आता है, जो हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि माइक्रोस्कोपी सेंटर। जो माइक्रोस्कोपी सेंटर होते हैं, इसको जो मॉनिटर करते हैं हमारे एमओ और लैब टेक्नीशियन, ठीक है। फिर हमारा आता है क्या, डीओटी डॉट सेंटर, जो अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था डॉट सेंटर। डॉट सेंटर क्या हमारा था, डॉट का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो ये हमारा होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप यही सब चीज़ें यहाँ से लिख सकते हैं बना के, ठीक है। तो आपको यही चार्ट आपको सिर्फ याद रखनी है, तो यहाँ से आप सब चीज़ें लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फंक्शनिंग एंड आउटकम के बारे में, ठीक है। फंक्शनिंग आउटकम में जो है, आपको ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, जब पेशेंट में हमें सिम्पटम दिखने लगे ट्यूबरक्लोसिस के, तो क्या करना चाहिए, हमें क्या करना, उसका जो स्पुटम होता है, हमें टू स्पुटम स्मीयर को क्या करना चाहिए, उसको कंडक्ट कर लेना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो एग्जामिनेशन के लिए हम ले जाते हैं आरएनटीसीपी, ठीक है। जो हमने, जो हमारा आरएनटीसीपी जो डिजाइंड माइक्रोस्कोपी सेंटर होता है, मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, जो हमारा यहाँ पे सेंटर दिखा है माइक्रोस्कोपी सेंटर, यहाँ पे ले जाते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसका है, आरएनटीसीपी का। तो यहाँ पे हम ले जाते हैं किसके पास, जो हमारा स्पुटम एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन जो कराने के लिए हम ले जाते हैं माइक्रोस्कोपी सेंटर में, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होता है कि इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो हमारा जो माइक्रोस्कोपी सेंटर होता है, ये हमारे सीएससी में भी होता है, तालुका हॉस्पिटल में भी होता है, पीएससी में भी होता है, आपने देखा होगा अगर आपने ट्रेनिंग किया होगा। तो क्या करते हैं, अगर जब जो हमारा कफ होता है, अगर कफ जो है 2 वीक से ज़्यादा दिन तक आए, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें स्पुटम को, स्पुटम जो हमारा होता है उसका स्मीयर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 स्पुटम स्मीयर बनाया जाता है, फिर दोनों स्पुटम स्मीयर को कहाँ पे, माइक्रोस्कोपी जो सेंटर होता है हमारे तालुका हॉस्पिटल में, पीएससी में, सीएससी में, वहाँ पे ले जाया जाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमारा जो दोनों स्पुटम स्मीयर जो है अगर निगेटिव निकलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक जो होती है 10 से 14 डेज तक उस पर्सन को दी जाती है, ठीक है। अगर वह सिम्पटम फिर भी नहीं जा रहा है, ठीक है, वह सिम्पटम बना है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम रिपीट स्मीयर, फिर दो बार स्पुटम लेंगे, स्मीयर बनाएंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाता है दोनों, ठीक है, दोनों अगर निगेटिव आ जाता है, तो फिर क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। अगर हमारा यहाँ पे जो निगेटिव फॉर ट्यूबरक्लोसिस अगर निगेटिव रहता है, तो यहाँ पे टीवी नहीं है,
ठीक है, उस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस नहीं, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं स्मियर निगेटिव ट्यूबरक्लोसिस, फिर क्या करते हैं इसका एंटी टीवी जो ट्रीटमेंट एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग होते हैं उसका यहाँ पे उसको दे के यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे अभी यहाँ पे निगेटिव वाले की बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, दोनों स्मियर या एक स्मियर आता है या दोनों स्मियर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं कि दोनों स्मियर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग आते हैं उसको उस पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, यहाँ पे पहले तो निगेटिव आया था तब इसके लिए बात किए थे, अगर पॉजिटिव आ जाता है तुरंत क्या करते हैं उस पर्सन को हम क्या करते हैं जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग आती हैं या एंटी टीवी ट्रीटमेंट हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप वहाँ से यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको यही चीज़ें याद रखनी है, आपको आसानी से याद हो जाएंगी। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया ऑल पेशेंट आल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, जो हमारा शॉर्ट कोर्स थेरेपी होती है जिसको डॉट थेरेपी अभी आपने पढ़ा है, यह ऑल पेशेंट को फ्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगला दिया गया है द एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग आर एडमिनिस्टर अंडर द डायरेक्ट सुपरवाइजर, जो डायरेक्ट डायरेक्ट सुपरवाइजर होते हैं उनके अंडर में, आपने पीएससी सीएससी पे देखा होगा उनके अंडर में ही ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग होती हैं वह जो हमारे पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो पीडियाट्रिक ट्यूबरक्लोसिस जो पेशेंट होते हैं उनका जो डेली डोज होता है उनके वेट के हिसाब से दिया जाता है, अगर उन एमजी पर किलोग्राम, ठीक है, उनके वेट के हिसाब से दिया जाए बॉडी वेट के हिसाब से। अगर जो पर्सन है ये जो पीडियाट्रिक ट्यूबरक्लोसिस जो पेशेंट है उसको अगर रिफैम्पिसिन जो दिया जाएगा उसको 10 to 12 एमजी पर केजी दिया जाएगा, आइसोनियाज़िड जिसको हम आईएनएच बोलते हैं उसको 10 एमजी पर केजी दिया जाता है, और इथमब्यूटाल की बात करते हैं 20 to 25 एमजी पर केजी देते हैं, और अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 mg पर kg देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर, आपको लेक्चर कैसा लगा इसकी नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वहीं पे आपको इसकी नोट्स मिलेगी। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आपको नोट्स कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।